हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अंश स्टडी गुरु। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। जी हां साथियों, एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। तो आज की इस अपडेट में क्या मेंशन किया गया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे बहुत से हमारे एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं और हमारे एग्जामिनेशन किस जगह कराए जाएंगे ये हमें पता नहीं है। तो हम आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन जो कराए जाने वाले, जो हमारे एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किए गए हैं, वो उसका जो केंद्र है, हमारे जहां परीक्षाएं कराई जाएंगी वो किस जगह कराई जाएंगी, आज इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नोटिफिकेशन आज जो जारी किया गया है, वो आपको बताया जा रहा है कि आपके केंद्र कहाँ है, और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन किस सेंटर, यानी कि आपके एग्जामिनेशन कहाँ कराया जाएगा। जैसे श्रृंगी ऋषिराज हो या फिर आपका महिला महाविद्यालय हो, यानी कि कहने का मतलब ये साफ साफ दोस्तों कि आपका अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो आप अगर जानना चाहते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन जो है वो कहाँ कराया जाएगा, हमारे उसी सेंटर पे होगा कि किसी और सेंटर पे होगा, तो इसके बारे में जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा वो इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए चलिए फटाफट वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अंश स्टडी गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही में बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपका ये इंटरफेस है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, आप इसे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपका यहाँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेंशन किया गया है न्यूज और नोटिस। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा 2021 हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों के संबंध में। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे, तो दोस्तों जैसा कि आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है, यहाँ लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश। यह आपका 6 जुलाई की नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में यहाँ मेंशन किया गया है अधिसूचना, और क्या मेंशन किया गया ये देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा है एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि अधिसूचना संख्या ये परीक्षा दिनांक 29/6 एवं परीक्षा ये दिनांक 30/6 संशोधित द्वारा, यानी कि कहने का मतलब ये आपके जो भी एग्जामिनेशन कराए जाने वाले थे, जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन के लिए संशोधित किया गया है उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। लिखा है संशोधित द्वारा मुख्य परीक्षा वर्ष 2021 के अस्थायी प्रोफेशनल परीक्षा केंद्रों की सूचित निर्गत करते हुए 2-7 तक प्रत्यावेदन आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन प्रत्यावेदन आपत्तियों के युक्त निस्तारण करते हुए परीक्षा समिति के अनुमोदन मुख्य परीक्षा हेतु निम्नोक्त परीक्षा केंद्र को निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब यह, हाल ही में यह भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो बनाए गए थे, आपको यह भी बताया गया था कि अगर इसमें से कोई चाहता है कि हमारा जो परीक्षा केंद्र है किसी और जगह कराया जाए, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य शिक्षकगण, लेकिन ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, ऐसा कोई भी निर्गत पत्र नहीं दिया गया जिससे कि सेंटर आपका कोई मेंशन किया जा सके या चेंज किया जा सके। तो अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन है निर्धारित परीक्षा केंद्र, यहाँ आपको नाम मेंशन किया गया है। जैसे पहले नंबर में आप देख रहे हैं महिला पीजी कॉलेज बहराइच, आपका 100 केंद्र होगा, आपका जो केंद्र कोड है वो 004, उसके साथ में लिखा है प्रज्ञा सृजन भारती महिला विद्यालय चितौरा बहराइच समस्त 728 कोड नंबर, ये है आपके यूनिवर्सिटी का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है किसान पीजी कॉलेज बहराइच, उसका भी यहाँ मेंशन किया गया है श्याम सुंदर स्मारक वर्मा महाविद्यालय भदौली चिलवरिया बहराइच, इसका भी जो कोड है वो लिखा हुआ है 800 है इसका कॉलेज कोड। उसके बाद लिखा है रामतेज भगवती प्रसाद महाविद्यालय दर्शावा बहराइच समस्त 567, आपके 567 यूनिवर्सिटी कोड है जहां आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे किसान पीजी कॉलेज के। तो और भी इस प्रकार से इसमें मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, मैं अंबेडकर नगर के कुछ स्कूल्स के नाम बता देता हूं, और अंबेडकर नगर के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे उनको समझ में आ जाए कि हमारे सेंटर कहाँ कहाँ गए हुए हैं। और दोस्तों, उसके साथ में आपको सभी को मैं बताना चाहूंगा, आपका जो नोटिफिकेशन लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप अगर आप चाहें तो वहां जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये देख लीजिए, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BNKB पीजी कॉलेज अकबरपुर 100 केंद्र, यानी कि आपका जो केंद्र कोड है वो है 26,
आपके बीएनकेजी कॉलेज के जो बीएनकेबी पीजी कॉलेज है अकबरपुर अंबेडकर नगर का, वहां आपका कुछ लोगों का ऐसा होगा कि उनका सेंटर खुद ही उस स्कूल में रहेगा, उसके साथ में यहां दिया गया है संत द्वारिका प्रसाद महाविद्यालय कोटवा मोहम्मदपुर अकबरपुर अंबेडकर नगर, केवल छात्र के लिए 138 कोड स्कूल कॉलेज यानी कि कॉलेज कोड यहां मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर दिया है एसडी जेपी महाविद्यालय डल्ला निजामपुर अंबेडकर नगर, समझ 662 कोड है। और इसके बाद फिर मेंशन किया गया है राम मुहूर्त समझ सूरसती महाविद्यालय रतनपुर अंबेडकर नगर, केवल छात्र के लिए 148 कॉलेज कोड मेंशन किया गया है। देव इंद्रावती महाविद्यालय कटेहरी अंबेडकर नगर के छात्रों के 150 कोड कॉलेज कोड यहां मेंशन किया गया है आपका 150, ठीक है। उसके बाद और देख लीजिए लिखा है टीएमपीजी कॉलेज टांडा अंबेडकर नगर, यानी कि ये टांडा अंबेडकर नगर का जो कॉलेज है हमारा टीएमपीजी कॉलेज, उसका भी केंद्र हमारा 27 यानी कि कॉलेज कोड जो है उसको केंद्र पे ही रहेगा। उसके साथ में आपका देव इंद्रावती महाविद्यालय टांडा अंबेडकर नगर केवल छात्र के लिए इनका सेंटर जाएगा, जिसका कोड यहाँ मेंशन किया गया है यूनिवर्सिटी कोड 618 है। उसके बाद फिर यहाँ लिखा है रमाबाई राजकीय महाविद्यालय अकबरपुर अंबेडकर नगर, इनका जो केंद्र है वह सुकेंद्र ही होगा, इनका जो भी महिला विद्यालय है इसलिए इनका सभी का एग्जाम उसी यूनिवर्सिटी में या उसी कॉलेज में कराया जाएगा, उसी कॉलेज में इनका एग्जामिनेशन कराया जाएगा, सुकेंद्र कोड नंबर 33 यहाँ मेंशन किया गया है। उसके साथ में आपका पंडित रामलखन शुक्ल राजकीय पीजी कॉलेज का भी यहाँ मेंशन किया गया आलापुर अंबेडकर नगर का, यहाँ भी सुकेंद्र होगा लड़कियों के लिए। उसके बाद फिर ललन जी ब्रह्मचारी महाविद्यालय राजेश सुल्तानपुर अंबेडकर नगर केवल छात्र के लिए उनका कॉलेज कोड है 35, इस प्रकार से आपका यहाँ मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं जो हमारे निकट यानी कि एनटीपीसी टांडा के निकट जो है वो है आदर्श कन्या महाविद्यालय बरुआ जला की अंबेडकर नगर, इनके जो एग्जामिनेशन कराए जाने वाले हैं ये भी लड़कियों के लिए है, और हालांकि इनका केंद्र कहीं जाएगा नहीं, उसी स्थान पे इनका एग्जाम कराया जाएगा, उसी कॉलेज में इनका एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि अंगद सिंह स्मारक महाविद्यालय जलालपुर अंबेडकर नगर, छात्र छात्राएं समस्त केंद्र यानी कि छात्राएं जो भी है सभी के शो केंद्र ही रहेंगे, लड़कियों का कोई भी सेंटर नहीं जाएगा, सिर्फ ओनली फॉर सिर्फ लड़कों का जो होगा वो सेंटर इधर उधर किया जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ मेंशन किया गया है। लिखा है श्री वासुदेव राम हरिप्रसाद महाविद्यालय किछौछा अंबेडकर नगर समस्त 29 ये कोड नंबर यहाँ मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और भी ऐसे आपके टोटल 32 पेज में सारे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, 32 पेज का ये नोटिफिकेशन है, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, जिससे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, देखिए बहुत से ऐसे कॉलेज के नेम मेंशन किए गए हैं, जैसे आपके टोटल कितने कॉलेज के नेम मेंशन किए गए मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में जो आते हैं उन सभी का यहाँ मेंशन किया गया है। आपके टोटल आपको मैं बता दूं कि टोटल आपके कितने कॉलेज हैं जो इसमें है मेंशन है, और आप दोस्तों आप एक एक लोग अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं, बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा, जिससे कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 383 कॉलेज हैं आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, तो आपको बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी मिली दोस्तों। और भी अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो अंश एसटी ग्रुप पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इस नोटिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत होता है तो भी आप कंफर्म करके करना चाहेंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, वहां से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो चलिए आज के लिए फिलहाल लेटेस्ट अपडेट यही था, और भी कोई अपडेट आता है तो आपको अंश एसटी ग्रुप के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगले वीडियो में स्वागत करने के लिए आऊंगा कुछ समय बाद, तब तक के लिए अलविदा, ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।